ये हमारी जो आज यहाँ मीटिंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नई टीम्स बनाई हैं, कश्मीर में भी सभी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजिडेंट्स बदले हैं, नई टीमें बनी हैं, इसलिए एक इंट्रोडक्टिव मीटिंग हमारी है। जो नई टीम बनी है हमारी डिस्ट्रिक्ट की, उसके साथ एक इंट्रोडक्टरी मीट है ये, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। और तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम अगले 1-2 दिनों में जाकर उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक आपने सवाल किया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ऑफिस सील किया गया है, तो जो एक मुहिम चली है सरकारी ज़मीनों पर, जो कब्ज़े करके बिजनेस इदारे खड़े किए हैं, सरकार ने सब जगह उनको सील किया है। आपने कल देखा हो कुठवा में हमारे लोगों के भी इस प्रकार के थे, उनको भी सील किया गया। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा, ये हमारे एलजी साहब ने बयान दिया है। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। जो हाल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वहाँ दफ्तर था, उसको सरकार ने और सील किया गया है, और उसका NIA कोर्ट से वो सील ऑर्डर आया है। उसका शायद कारण कुछ और भी हैं, उन कारणों के कारण उसको सील किया गया। जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करेंगे उनको सील करना कोई गलत बात नहीं। तो जो है कांग्रेस ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि लाल चौक को जो है कर्फ्यू लाइक सिचुएशन बनाई गई थी आज, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पे फ्लैग जो है अनफॉल करने वाला था, क्या ऐसा नहीं, कोई किसी ने किसी को कोई वो किया ऐसा कुछ नहीं। हमने भी 26 जनवरी को वहाँ लाल चौक में झंडा चढ़ाया है, और उसमें खुले मन से लोग भी आए थे, दुकानें भी खुली थी, ऐसा कुछ नहीं था। सिक्योरिटी के लिए कुछ, एक तरफ से आप कहेंगे कि सिक्योरिटी हमारी ठीक करो, और दूसरी तरफ से आप कहेंगे कि लोगों को रोका जा रहा है, ये आपस में विरोधाभास बातें हैं। उन्होंने आज लाल चौक में झंडा चढ़ाया है, अच्छी बात है, और हम तो और अच्छा कहते हैं कि अगर महबूबा जी को और उमर साहब को भी वो साथ रखते। उन्होंने उसको साथ दिया, एक ने टनल से साथ दिया, एक ने पामपोर से साथ दिया। हम तो ये चाहते थे कि उनको भी वो साथ रखते और नेशनल फ्लैग अनफ्रोल करते वहाँ, तो हम उनको शाबाशी दें। तो महबूब मुफ्ती का इल्ज़ाम ये है कि 2019 में जब आर्टिकल हटाए जाने के बाद पॉलिटिकल सफोकेशन